तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं EBC, OBC या और कोई सर्टिफिकेट जैसे कि जाति, निवास, आय, EWS सर्टिफिकेट वगैरह कोई भी अगर आप बनवाए हैं, अगर चाहते हैं कि आपको अगर 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपको प्राप्त हो तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको कैसे 2 से 3 दिन के अंदर जाति, निवास, आय, OBC सर्टिफिकेट या NCL कोई भी सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैंने NCL का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें सभी में आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया मुझे कि मतलब जो मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए आप सभी को हेल्पफुल हुआ। और बहुत सारे कि ये सवाल था कि मतलब जो NCL सर्टिफिकेट बनाए हैं तो क्या उसको ब्लॉक में जमा करना होगा या नहीं करना होगा, तो इसके लिए आपको मैं बताने वाला हूँ क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप अप्लाई कर चुके हैं NCL सर्टिफिकेट तो उसमें आपको ब्लॉक में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। RTPS सर्विस यानी सर्विस प्लस के माध्यम से आप घर बैठे अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आप कोई भी सर्टिफिकेट का जो रिसीविंग है आपको ब्लॉक में जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप घर बैठे आपका ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं तो आप घर से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं बिना कहीं कोई जमा किए हुए डॉक्यूमेंट को। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि NCL सर्टिफिकेट जो होता है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मतलब NCL सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको जमा करना है अथवा नहीं करना, तो आपको जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए, अब आपको रहती है बात यहाँ पर इमरजेंसी यानी तत्काल वाला कैसे बनेगा, यानी कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको अगर ज़रूरत है तो आपको कैसे बनाए। तो यहाँ पर हम बात करने वाले तत्काल ऑनलाइन निकालने के लिए या डाउनलोड करने के लिए कोई भी सर्टिफिकेट, जाति, निवास, आय हो, EBC हो, NCL हो, OBC किसी भी तरह का अगर सर्टिफिकेट सर्विस प्लस के माध्यम से बनाया है तो डाउनलोड करने के लिए क्या करना है। तो डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले क्या करना है कि अगर मान लो 2 दिन के अंदर आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपका जो आपने जो अप्लाई किया है, जो अप्लाई करते समय एक आपको रिसीविंग प्राप्त हुआ होगा, उस रिसीविंग को क्या करना है कि अपने पास प्रिंट कर लेना है। और प्रिंट करने के बाद आप अपने ब्लॉक में जाएंगे और जहाँ भी आपका ब्लॉक है, जिस ब्लॉक से आपने अप्लाई किया है उस ब्लॉक में जाएंगे और जो ब्लॉक का कर्मचारी जो होते हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। यानी जो RTPS काउंटर पर जो व्यक्ति बैठे हुए रहते हैं, जो बनाते हैं जाति, निवास, आय या कोई भी सर्टिफिकेट बनाते हैं वहाँ पर बैठकर जो RTPS काउंटर पर होते हैं उन्हीं से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और रिक्वेस्ट करने के बाद आपको वहाँ से 2 दिन के अंदर बिल्कुल आपको वहाँ से कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड करने का परमिशन दे देंगे। तो आपको डाउनलोड करने के लिए परमिशन लेने के लिए आपको वही करना हो कि आप जैसे ही आप अप्लाई कर चुके हैं, अगर मान लीजिए आज अप्लाई किए हैं, अगर 2 दिन के बाद अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो आप अपना रिक्वेस्ट लगाइएगा वहाँ, यानी कि आपको प्रिंट करने के बाद आपको वहाँ अपने ब्लॉक में जाना है और वहीं पर आपका रिक्वेस्ट देना होगा, यानी कि आपको उनसे रिक्वेस्ट करना होगा जो अप्लाई कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना होगा कि मेरा वेरीफाई कर दीजिए और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे फॉर्म अप्लाई करना है या कुछ भी अप्लाई करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द वेरीफाई कर दीजिए। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ रहता है, उनको टाइम अगर होगा तो आपको जल्द से वेरीफाई करके दे देंगे। अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट होंगे तो आप जल्द से वहाँ पर वेरीफाई करा सकते हैं और जल्द से जल्द वेरीफाई कराने के बाद वहाँ से आप डाउनलोड करने का परमिशन मिल जाएगा और अपने घर बैठे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यही है एक तरीका है जो आपको तत्काल बनाने के लिए, तत्काल वैसे बनाने के लिए जो पहले तत्काल बनता था, फॉर्म भरकर आप ब्लॉक में जमा कर दीजिए तत्काल 2 दिन में अंदर मिल जाता था, लेकिन उस तरह का आप प्रोसेस नहीं है। आप अप्लाई कीजिए, जनरल तरीका से ही अप्लाई करना होगा और अप्लाई करने के बाद आपको रिक्वेस्ट करना होगा जाकर अपने ब्लॉक में और वहाँ से आपको तुरंत बनाकर आपको दे दिया जाएगा। अगर उनके पास टाइम हो तो आपको जल्द से जल्द ही निकाल कर वहाँ पर दे देंगे। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी कोई भी अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं RTPS के माध्यम से तो आपको कोई भी फॉर्म वहाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं रहता है। आपको अगर तुरंत डाउनलोड करना है तो अपने ब्लॉक में जाइए, वहाँ रिक्वेस्ट कीजिए और रिक्वेस्ट लगाने के बाद आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर इस बात से अगर सहमत होंगे तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।